मेराज का समाग कहां पहुंचे जाइरो, मदीने पहुंचने वालों मेराज का समाग कहां पहुंचे जाइरो, कुर्सी से ऊंची कुर्सी सी पाक दर की है। ये बहुत जरूरी है, अज़मते मदीने मुनव्वरा का इल्म होना जरूरी है। उस बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी क्या जो सआदत का जो मियार है, इसका इल्म होना जरूरी है। मदीने मुनव्वरा के जर्रो जर्रो का जो अदब है, उसका इल्म होना जरूरी है। हरम पाक, हरमैन तैयबैन शरीफैन के जर्रो जर्रो के अदब का इल्म होना जरूरी है। काबाए मुशर्रफा की अजमतों का इल्म होना जरूरी है। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी शरीफ, इसका इल्म होना जरूरी है। इनकी अजमतों का इल्म होना जरूरी है, इनके मकाम और मर्तबे का इल्म होना जरूरी है। अरे जिन गलियों में जा रहे हो, इन गलियों का, इन गलियों की अजमतों का, इन गलियों की शराफतों का और इन गलियों के तकद्दस का इल्म होना जरूरी है। अरे इसका इल्म ना होगा तो कैसे जानोगे कि कहां में और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा, फिर ये बात कहां से समझ में आएगी कि संभल के पांव रखना जाइरो शहरे मदीना में, कहीं ऐसा ना हो कि सारा सफर बेकार हो जाए। पांव में जूता रे हैं, ओ अजमत का पता ही नहीं होगा तो शेर कैसे समझ में आएगा। पांव में जूता रे महबूब का कूचा है ये, पांव में जूता अरे महबूब का कूचा है ये, होश कर तू, होश कर गाफिल, मदीना आ गया, मदीना आ गया, मक्का आ गया। तो जाने से पहले मदीने मुनव्वरा ज्यादा लो शरफा ताजीमन और उसके जर्रो जर्रों का अदब और एहतराम का मुताला करके जाइए। मक्का मुकर्रमा की गलियों, मस्जिदुल हराम की अजमतों का मुताला करके जाइए, ताकि फिर अपने वजूद पर जब नजर पड़ेगी ना, फिर अमीले सुन्नत का ये कलाम अपनी जबान पर उस वक्त तक जारी रखिए जब तक कि ये सफर जारी है। जुर्मो इसी आप अपने लजाता जो नमाज कजा की है उसका तस्वर कीजिए, बद निगाहियां की, दाढ़ी मुंडाई, फिल्में ड्रामे देखे, गाने बाजे सुने, बेहुदगी की, बेहयाई की, गीबतें की, चुगलियां की, तोहमतें बांधी, जुल्म सितम किए, माँ बाप को सताया, बीवी बच्चों को सताया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। और अब वो सफर है, वो सफर है कि मदीना भी देखेंगे, अरफात भी देखेंगे, मुजदलिफा भी देखेंगे, तो मीना भी देखेंगे। जहां तक हो सके आंखें बंद किए ये सफर रवा दवा हो, कि कुछ चल मदीना का काफिले का कुछ ऐसा ही मंजर हुआ करता था, कुछ इसी तरह की कैफियत महसूस की जाती थी। और अगर आंख खोलने का भी जरूरत हो तो फिर यहां वहां देखने से परहेज करे, जरूरत के तहत आंखों का इस्तेमाल करे, उसके बाद फिर अपनी कैफियत में आ जाए और इस तरह के अशआर अपनी जबान पर जारी रखे, हत्ता के बस में बैठ जाए। और ये बस मक्के की तरफ जा रही है, उस गलियों की तरफ जा रही है जिन गलियों में यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलवे हैं। ये बस वहाँ जा रही है जहाँ पर मस्जिदुल हराम है, ये बस
उस हरम पाक की तरफ बढ़ रही है जहाँ की एक नेकी लाख नेकी के बराबर है, और डर भी लग रहा है कि वहाँ का एक गुना लाख गुना के बराबर है। हत्ता के जब ये बस मक्के मुकर्रमा के करीब पहुँचे तो फिर कुछ इस तरह की दुआएं जबान पर जारी हों। क्या आप मक्के की हवाओं को अपनी सांसों में महसूस करेंगे? आ आ आ मेरी रूह की हरते में समोलू तुझको, आ मेरी रूह की हरते में समोलू तुझको। ए हवा, तूने तो सरकार को देखा होगा। ए हवा, तूने तो सरकार को देखा होगा। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।